आईपीएल ऑक्शन 2024 से पहले अफगानिस्तानी ऑलराउंडर नवीन उल हक के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक लगाया और बहुत ही बुरी खबर आई। ये वही नवीन उल हक हैं जो आईपीएल 2023 में खूब लाइमलाइट में थे, क्योंकि इनका विवाद विराट कोहली से हो गया था, जिस कारण ये पूरे आईपीएल 2023 में खूब सुर्खियां बटोरे और खूब लाइमलाइट में आए। लेकिन ऑक्शन टेबल 2024 से पहले जो 19 दिसंबर को 2023 में सजने वाला है यूएई में, इनको बड़ा सेटबैक लग गया है। हालांकि ये जो सेटबैक है वो आईपीएल से रिलेटेड नहीं है, जिस कारण नवीन उल हक के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। हालांकि नवीन उल हक के दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इस टी20 लीग के लिए बहुत ही तैयार रहते हैं और अपना प्रदर्शन देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहां के ये नामचीन खिलाड़ी हैं और इनका काफी वर्चस्व इस लीग में रहता है। मगर इस लीग को अब ये लगातार 2 सीजन नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जो यूएई बेस्ड आईएल टी20 होता है उसने नवीन उल हक को 20 महीने के लिए बैन कर दिया है डिसिप्लिनरी मेजर्स के कारण। यानी कि इन्होंने वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन आईएल टी20 के होते हैं उसको नहीं फॉलो किया और इसके लिए कड़ा रुख अख्तियार किया आईएल टी20 ने और बड़ा मैसेज भेजा नवीन उल हक को बैन कर। अगर हम बात करें कारण की, तो इनकी जो टीम है शारजहां वॉरियर्स, उसने इनको रिटेंशन का कॉन्ट्रैक्ट भेजा था कि भैया आप साइन करके भेज दीजिए, लेकिन इन्होंने ऑन टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं साइन किया, जिसके बाद शारजहां वॉरियर्स ने कॉन्टैक्ट किसको किया, आईएल टी20 को, कि आप इंटरफियर करिए और इस मामले को सुलझाइए, नवीन उल हक कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहे हैं। तो आईएल टी20 ने दोनों पार्टियों को बुलाया, मेडिएटर एक रखा, उस मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन नवीन उल हक नहीं माने, जिस कारण आईएल टी20 ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए इनको 20 महीने के लिए बैन कर दिया है। यानी कि 2024 का भी ये संस्करण नहीं खेल पाएंगे और 2025 का भी संस्करण नहीं खेल पाएंगे। ये पहला डिसिप्लिनरी इशू नहीं है जो नवीन उल हक के साथ हुआ है, ऐसे कई मामले कई वाकये इनके साथ हो चुके हैं। श्रीलंका टी20 लीग में भी इनके साथ काफी ही झड़प देखने को मिला कई खिलाड़ियों से। उसके बाद भारतीय प्रीमियर लीग, आपको पता है इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली से ही भिड़ गए, और अब आईएल टी20 जो इनका सबसे बड़ा टी20 लीग कह सकते हैं अफगानिस्तानी खिलाड़ियों का होता है, जहां पर सभी अफगानिस्तानी खिलाड़ी भाग लेते हुए दिखते हैं, इन खिलाड़ियों का वर्चस्व होता है और खुद नवीन उल हक अपनी टीम के लिए पिछले साल हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे और अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, मगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे साइन नहीं किया, जिस कारण आईएल टी20 ने कहा भैया डिसिप्लिन बना रहना चाहिए और ये कड़ा संदेश हम देना चाहते हैं सभी खिलाड़ियों को कि आप अगर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड जाएंगे, पॉलिसी को तोड़ेंगे, तो हम कड़ा रुख इख्तियार करेंगे, आप चाहे जितने भी बड़े प्लेयर क्यों ना हो। तो ये पूरी रिपोर्ट थी। कल ऑक्शन टेबल सजने वाला है, लेकिन उससे पहले ही नवीन उल हक को 20 महीने का बैन थमा दिया गया। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।